अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों शादी में जाना है और देखो अभी तक ऐसी हालत में है। यूपीएस से काम चला रहे हैं, अब पता नहीं कब बंद हो जाएगी क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है। अब शादी में जाना है तो चलो पहले मैं अपनी सेटिंग दिखा दूँ कि मैंने क्या पहना है, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब तो सही लग रहा हूँ दोस्तों मैं। तो दोस्तों अभी मैंने मेकअप वेकअप भी करना है, ऐसा सोता हुआ मुंह लग रहा है, पर मैं ज़रा मेकअप शेकअप करके भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा, बातें करता रहूं। तो चलिए चलते हैं फिर हॉल की तरफ। दोस्तों ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम। देखो मैं पहुंच गया हूँ भाई, कैसा लग रहा है सबका? अभी लोग आने जाने लगेंगे, मजा आएगा। लाइट ना होने की वजह से ना जल्दी पहुंच गए हम। तो अभी देखें पूरी सीटें खाली है, सिर्फ हमारी फैमिली बैठी हुई है और अभी जो दूल्हे भाई हैं ये सब हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी इनका ग्रैंड किस्म का रिसेप्शन दिखाऊंगा मैं आपको आगे चल के। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं कम से कम कमेंट और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो देख रहे हैं आप बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना है ये हॉल और हर तरफ जो है ये देखें मैं खड़ा हूँ। मैं आपको ये दिखाने के लिए खड़ा हूँ कि देखें कितना पीछे का नज़ारा, कितना अच्छा बैकग्राउंड, कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो सारी चीज़ें ये देखें, मेरी जो बहन है वो भी गुस्से में आ रही है, कह रही है आप मेरी क्यों वीडियो बना रहे भाई। अब मैं कहा व्लॉगिंग कर रहा है तो दिखाना तो पड़ेगा ना सबको कि कौन क्या कर रहा है। ये देखें अभी सब जो है फोटो सेशन भी अपना करा रहे हैं, मैं आगे से बैठा हूँ। अच्छा इस वजह से मैंने थोड़ी सी आवाज़ पे वॉइस ओवर इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट का इशू हो जाता है, पीछे बड़ा म्यूज़िक चल रहा है। तो मैं अपने व्लॉग को एक साफ़ सुथरा व्लॉग रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इस पर डबिंग कर रहा हूँ। ये कॉन्टिनेंटल बेकरी के अंदर जो बैंक्वेट्स बने हैं ना उसमें से एक बैंक्वेट है, हसीन बैंक्वेट बनाया भाई इन लोगों ने। आप लोगों को इस बैंक्वेट के बारे में क्या कहना, और खाने की तैयारी अभी तो नहीं होगी, खैर बाहर ये लगा रहा है बाहर जो आपको सामने लंगर नज़र आ रहा है, लंगर बोल रहा है यार बूफे सिस्टम। तो ये जो आप देखें सब अपनी फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स वगैरह जितने भी हैं, और यहाँ पे भाई सब जो है ना अभी तैयारी पकड़ रहे हैं और मेहमान आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है इंतज़ाम? और देखें लोग आ गए हैं, काफ़ी रश हो गया और मैंने कहा बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ कि देखें कितना ज़बरदस्त बैंक्वेट है। तो अभी आगे चलते हैं। ये मैं अपने आहत भाई से बात कर रहा हूँ और ये आहत भाई जो है इस वक्त जो है ना बस इंजॉय करके मूड में फुल टाइम और पीछे गाने की आवाज़ आ रही थी इस वजह से जो है मैंने उस बेचारी आवाज़ काट दी। बहरहाल इंजॉय के मूड में सब जो है ना खाने का वेट हो रहा है इस वक्त। आहद अनस दोनों खाने का वेट कर रहे हैं कि कब खाना लगे तो शुरू हो जाए। अभी खाने में देरी है भाई, रुको जरा सबर करो तो बस फोटो सेशन चल रहे हैं अभी दूल्हा दुल्हन के वलीमा रिसेप्शन। अभी मैं आप लोगों को आगे करीब जाके भी दिखाऊंगा और थोड़ा सा दूल्हा दुल्हन का जो है डांस वगैरह भी दिखाऊंगा आपको। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है हम सबको यहाँ पे, और सारी फैमिली मेम्बर्स जो है ना जो हमारे रिश्तेदार हैं वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। आपको तो पता है दोस्तों इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही है, कभी कभी मुलाकात हो जाती है शादियों वगैरह में, तो सब एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं। और ये जी ग्रैंड एंट्री स्टार्ट हो गई है दूल्हा दुल्हन की। तो दोस्तों आगे तक देखें ये व्लॉग और ताकि आपको पता चले कि कितना ज़बरदस्त लग रहे थे ये दोनों। और जैसी एंट्री होती है इन लोग की तो देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। आजकल तो ये फैशन हमारे जब शादी हुई थी तो उस वक्त तो बस वो ऐसे ही उठ के चले गए, कोई फवारे नहीं, कुछ ऐसा फाउंटेन वगैरह नहीं। आजकल के बच्चों की जब शादी होती है तो उसमें पूरा प्रॉपर वे में एक फायरवर्क्स होते हैं और फिर उसके बाद डांस वगैरह भी होता है, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी से देखते रहिए, थोड़ा सा मैं अपना मुँह बंद कर लेता हूँ, आप जब तक वीडियो इन्जॉय करें फिर मैं आता हूँ।
बेचारे दूल्हा दुल्हन को इतनी फोटोग्राफी से गुजरना पड़ता है आजकल के दौर में, हर जगह पे ये पोज दो, ये पोज दो, ये करना है, वो करना है, बेचारे जो अब रियल तरीके से आगे आ ही नहीं सकते, सब बोलते इधर से मुड़े हैं, इधर से रखें, अभी रुके हैं, तस्वीर बन रही है, ये होगा वो होगा, बस यही चक्कर हो गया, टाइम निकल जाता है और हमें भूख बड़ी लग रही है। तो दोस्तों खैर मज़ा आ रहा होगा आपको ब्लॉग देख के, अभी आप लोगों को इनकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे हम, तो बस आप लोगों से गुजारिश है बने रहो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और बने रहो। तो अभी हम दूल्हा दुल्हन को कहते हैं बेस्ट विशेज दे रहे हैं। ये परफॉर्मेंस शुरू हो गई दूल्हा दुल्हन की और गाना बड़ा अच्छा था, वो सेलिन डियोन का नहीं था माय हार्ट विल गो ऑन, पर वो चलाता तो मुझे कॉपीराइट आई थी, इस वजह से मैंने अपनी आवाज़ में आपको सुना दिया, माय हार्ट विल गो ऑन जो है गाना था। तो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस थी दूल्हा दुल्हन की, बताओ यार कितना ज़बरदस्त एडवांस ज़माना हो गया कि हर परफॉर्मेंस भी होती है देखा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है परफॉर्मेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरा ये है कि बेचारे दूल्हा दुल्हन को कितना करना पड़ता है यार ये सारी चीज़ें, अभी आजकल के दौर में कितना मुश्किल हो गया शादी में से सब कुछ दिखाना ज़रूरी होता है, पर बहरहाल मज़ा आ रहा है देख के कि भाई ये अच्छा एक निकाला है नया एक स्टाइल। तो अभी आप देख रहे हैं अब ये लोग के बैठने का वक्त हो गया है और थोड़े से फोटो सेशन हो जाएगी, आपको पता फोटो सेशन चलता रहता है और उसके बाद जो है सब नॉर्मल हो जाते हैं। अब सबको भूख लगने लग गई है, पीछे से आवाज़ें आनी है, अबे खाना निकाल लो खाना। चलो भाई अब फैमिलीज़ का जो है फोटो सेशन स्टार्ट हो गया और बस सब इंतज़ार कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिश्तेदार का यही होता है कि जब भी रिश्तेदार की शादी में जब बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय होता है इंसान को, और अभी पूरी फैमिली जब फोटो सेशन दोस्तों आप लोग को क्या है कहना, आप लोगों की शादी में भी यही इंतजाम होते हैं मतलब या चेंज होते हैं डिफरेंट होते हैं, कई लोगों के डिफरेंट होते होंगे। अभी देखें अनस आहत बैठे हुए खाने का वही इंतज़ार हो रहा है जैसे हम करते हैं, और अनस भी बोल रहा है मैं गाना ही गा लेता हूँ क्योंकि कोई काम नहीं है अभी करने को। जो है ये देखें खाना खुल गया है, ये जो खाने में है अभी तो सबने फोड़ लिया है, हमने तो इसे कम नहीं है ये, मतलब ये बाद में मैंने वीडियो बनाई थी, अभी फैमिली की वीडियो शुरू हो गई हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों से गुजारिश है लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और यार तुम लोग जब इतनी मेहनत से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो उसको देखा करो सही तरीके से यार, तुम लोगों का सही मंजन है समझ ही नहीं आता, समझ से बाहर है। चलो अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।